अंग्रेज लोग आके कब्जा किया था ना भारत पे, वैसे लग रहा कि संघीज ये कब्जा कर लिया इंडियन रिपब्लिक पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे। खुल्ला खुल्ला एक वैचारिक युद्ध है, इसमें पीछे हटने की बात नहीं है। बाबा साहब ने तो समराइज कर दिया कि भाई ब्राह्मणवाद अपौधवाद की लड़ाई है, ये सिंगौल और अशोक स्तंभ के बीच की लड़ाई है, ये मनुस्मृति और संविधान के बीच की लड़ाई है। अगर 24 में रिपीट कर गया तो कोई नहीं बचेगा। आप पता लगा कि अभी तो सांसद लोग सस्पेंड किए जा रहे हैं, उसके बाद सांसद लोग को वही पता लगा कि मार्शल पिटाई शुरू कर दिया। कहते रहे कि अब लग रहा है कि भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक पर आरएसएस और बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, और मुझे इसमें कोई अचंभा नजर नहीं आ रहा है। अगर जो साथी लंबे समय से जानते हो उनको ये पता होगा कि हमारे जैसे तमाम एक्टिविस्ट पिछले 10 वर्षों से संघीय आरएसएस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास के छात्र होने के नाते हम जानते हैं कि इनकी आस्था मनुस्मृति में है, संविधान में नहीं है। जब संविधान सभा बना था उस समय भी कहते थे कि हमारा संविधान तो मनुस्मृति है, ये संविधान जो है भारतीयता के हिसाब से नहीं है। तो जहाँ एक तरफ संविधान एक प्रोग्रेसिव स्टेप था, उसका उस समय संविधान सभा में विरोध के पक्ष में साम्यवादी भी थे, समाजवादी भी थे, लेकिन उनका थ्योरेटिकल डिफरेंस था, उनका एक प्रोग्रेसिव डिफरेंस था। लेकिन इन संघी का आरएसएस वाले जो लोग थे, हिंदुत्वा ब्रिगेड, उनका था कि मनुस्मृति पीछे की ओर चलो। तो ये सरकार इसी संविधान का इस्तेमाल करते हुए आई है, लेकिन कोई संवैधानिक मर्यादा नहीं, जो भी यूनिवर्सिटी में चाहे संसद में। मैं आज तो यही कह रहा था ना कि जब सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो अब सांसद लोग अब डरो नहीं, लड़ो, सड़क पे चलो, ये चलो, नहीं तो बचोगे नहीं कोई। तो ये समझ लीजिए कि लग रहा है कि जैसे अंग्रेज लोग आके कब्जा किया था ना भारत पे, वैसे लग रहा है कि संघीज ये कब्जा कर लिया इंडियन रिपब्लिक पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले आईपीसी इनके मनुवाद के ऊपर सबसे पहला ब्लो था, जिसमें कानून के नजर में एक माना गया था सबको, एक ही अपराध के लिए सबको एक तरह की सजा। संविधान दूसरा ब्लो था, तो इसलिए चाहते हैं कि नस्तनाबूत कर दे। आप यूनिवर्सिटी आते हैं देखते नहीं, रितु सिंह का मसला है, मेरा घर, मेरा कॉलेज और दौलतराम कॉलेज 500 मीटर पर है, दो कानून वही चल रहे हैं विश्वविद्यालय में। तो ये तो खुल्ला खुल्ला एक वैचारिक युद्ध है, इसमें पीछे हटने की बात नहीं है। बाबा साहब ने तो समराइज कर दिया कि भाई ब्राह्मणवाद अपौधवाद की लड़ाई है, ये सिंगौल और अशोक स्तंभ के बीच की लड़ाई है, ये मनुस्मृति और संविधान के बीच की लड़ाई है। तो ये तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, जो डरेगा बचेगा कोई नहीं। लेकिन सर बीजेपी अब मिक्री को लेकर घेर रही है विपक्ष को, अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास मुद्दा ही नहीं है। जितने अमर्यादित तरीके से बीजेपी के सांसद और लीडर्स व्यवहार करते हैं, चाहे चुनाव मैदान के दौरान हो, चुनाव प्रचार के दौरान हो, चाहे संसद के अंदर, रमेश बुद्धिमुरी ने क्या कहा था याद है ना सब, वो उनके पास मुद्दा ही नहीं है। अब तो विपक्ष को चाहिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आज मैं कह भी रहा था, मनोज जी बगल में बैठे हुए थे, कि अब विपक्ष को भारत पूरे अखिल भारतीय आंदोलन चलाओ इनके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ, इनके नीति के खिलाफ, अब पूरा भारत बंद करो, आह्वान करो, बोल दो कि पूरा भारत बंद करो, एकदम चलो लड़ो इनसे सड़क पे। हर तरीके से छल कपट प्रपंच षड्यंत्र, वो हर तरीके से हर जगह चल रहा है। तो क्या विपक्ष को भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए इस टाइम? नहीं, समझ में तो जाहिर आ रहा होगा, लोग नेता लोग हैं उनको ज्यादा आइडिया होगा, लेकिन हम लोग आम एक्टिविस्ट एकेडमिशियन है, जब हम लोग को ये समझ में आ रही है कि यही सरकार 3 बार बहुत बुरी तरह हारी है, इसलिए बिलबिलाई हुई है, बिलबिलाई हुई है किसान के मुद्दे पर, एट्रोसिटीज एक्ट पर, रोस्टर के सवाल पे, सब हारा ही था ना, तो बिलबिलाई हुई है। इसलिए जब तक इनसे आर पार की वैचारिक युद्ध नहीं लड़ेंगे विथ ऑल्टरनेटिव एजेंडा, ऑल्टरनेटिव एजेंडा जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक इनसे मुक्ति नहीं है। अगर 24 में रिपीट करके देखिए, अब सवाल हमारी नौकरी का सिर्फ नहीं है, सवाल सिर्फ लक्ष्मण रितु सिंह का नहीं है, सवाल प्रमोशन का नहीं है, सवाल छुट्टी का नहीं है, सवाल है कि आ गया तो कोई नहीं बचेगा। आप पता लगा कि अभी तो सांसद लोग सस्पेंड किए जा रहे हैं, उसके बाद सांसद लोग को वही पता लगा कि मार्शल पिटाई शुरू कर दिया। तो इस अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझे। सर धनगढ़ कह रहे हैं कि जाट का किसान का अपमान किया गया है सर संसद में। नहीं तो वो अकेले नेता है क्या, कोई जाति है कोई अकेले नेता है, वो उसमें उपराष्ट्रपति लिखते हैं कि जाट उपराष्ट्रपति लिखते हैं, ये तो जाट जाट समुदाय का अपमान धनगढ़ ने स्वयं किया है। जाट लोग तो बहादुर लोग होते हैं, योद्धा लोग रहे हैं, ऐसे आरएसएस के और उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं और मर्यादा नहीं है वहां पर जाके उनको, अब जाट याद आया है, ये वहां पे जाके आरएसएस बीजेपी की स्टूज की तरह ना, चेयरमैन पर्सन की तरह नहीं, स्टूज की तरह वहां पे बात कर रहे हैं। राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं मिमिक्री का,
तो ठीक तो कर रहे हैं, मिमिक्री पूरा संसद को मिमिक्री बना दिया है। चूमे थे जाके संसद भवन को, अब पता लगा कि संसद ही बदल दिए। अडवाणी जी को पांव छुए थे, पता लगा मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए। तो बाबा साहब का नाम लेते हैं और काम करते हैं पूरा उल्टा। विदेश में जाके मदर ऑफ डेमोक्रेसी बात करते हैं, उनसे पूछ लेंगे जरा पांच रिपब्लिक का नाम बताओ, गणराज्य कौन कौन था, कहाँ कहाँ था, जरा नाम बताओ, तो नाम भी याद नहीं होगा। लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी अच्छा कहने में अच्छा लगना चाहिए। मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और बुद्ध की धरती से आया हूँ, यहाँ क्या हो रहा है, बुद्ध के सारे प्रतीक को जो है ध्वस्त किए जा रहे हैं। हर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में उठा के देखिए, हर जगह कब्जा किया हुआ है। यहाँ बाबा साहब ने कहा था, मेरे संविधान पे बुद्धिज्म की छाप है, अशोक स्तंभ है, शेर है, सब अशोक से लिया गया है, बुद्धिज्म से लिया गया है। उसको आरएसएस और बीजेपी बदल कर अब सिंगोल कर दिया। सिंगोल क्या है? राजतंत्र। वो राजतंत्र सावंत शाही का प्रतीक है। तो ये सीधा, इसमें कोई कन्फ्यूजन हमें नहीं है। अब हम लोग अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ाई है ही नहीं, ये हम आने वाली पीढ़ियों और देश कैसा हो, स्वस्थ हो, एक रिपब्लिक, एक एक, एक हेल्दी रिपब्लिक रहे, इसके लिए हम लोग हमारी लड़ाई है। शुक्रिया, थैंक यू।